गुड मॉर्निंग। तो रात में हम सबको अच्छे से नींद आ गई थी और सुबह थोड़ा लेट हो गए उठने में, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा थी तो धूप का वेट कर रहे थे हम। तो अब हम जल्दी से तैयार होंगे और ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे घूमने। मॉर्निंग करो बेटे। गुड मॉर्निंग। नींद आई आपको? हाँ जी, मजे से सो रही थी। मजे से सो रहे थे आप? हाँ जी। अच्छा, कर दो किसी को। हो गया? हो गया? आपको कितना खाना है देख लो। अच्छा, हो गया बेटे, हो गया, बहुत है। अच्छा, गर्म था? कैसा बना हुआ है? अच्छा ही बना हुआ है। अच्छा ही है, ठीक है बेटे। तो अब हम ब्रेकफास्ट करने के बाद घूमने के लिए जा रहे हैं। कहाँ पे? अभी जमा रहे हैं मेरे को लगता पानी। हाँ? देखना। तो इस बार के नेशनल जो हैं जनवरी में आइस हॉकी के, यही होंगे काजा में। तो इसीलिए ये आर्टिफिशियल वाटर से फ्रीज किया हुआ है पूरा एरिया, ताकि नेशनल के टाइम ये अच्छे से लेवल हो जाए। आओ यहाँ तक आओ, जल्दी आओ। अच्छा, ढंग से बैठो यार, ढंग से बैठो। बैठो 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 बैठा होना बैठा नहीं बैठी है नहीं बैठो बेटी बैठो ऐसे। हाँ, इधर मैं पकड़ लूँगा। हाँ, नहीं 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 गिर सकती। मजा आया। और ये है काजा का पेट्रोल पंप। तो ये वर्ल्ड हाईएस्ट पेट्रोल पंप है, तो 12,000 फीट पे है। तो काजा से थोड़े ही आगे आके हमें दो रास्ते मिल रहे हैं, कि जो सीधे जा रहा है ये जा रहा है की मोनेस्ट्री चिचम और किबर विलेज के लिए, पर हम सीधे नहीं जाएंगे, अभी हम ऊपर को टर्न लेंगे, क्योंकि ऊपर अभी हम पहले जाएंगे लंगजा, कोमिक और हिकिम। तो ये नीचे काजा पूरा एरिया ये सारा, और वो सामने जो है रंगदीप गांव। मामा देखो टंगरा। हाँ? टंगरा देखो। क्या देखो? टंगरा। तिरंगा। क्या? टिंगरा। तिरंगा। हाँ, टिंगरा। यहाँ से व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है, तो हम अभी रुके हैं यहाँ फ़ोटोज़ वगैरह लेने के लिए। तो स्पीति में इतना वेजिटेशन और इतने पेड़ पौधे हैं नहीं, बट फिर भी इसकी अलग ही ब्यूटी है। तो बहुत ही सुंदर लग रहा है यहाँ पे। कहाँ चले हो बेटे आप? क्या कर रहे हो ऊपर जाके आप? फोटो ले रहे हो? मामू उठाएंगे, पापा नहीं। मामू उठाएंगे, मामू उठा पाया नहीं। चलो 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 फिर चले। लंगजा पहुंचे हैं हम, और यहाँ पे है बुद्धा का बहुत बड़ा स्टैचू है, और ये जो गांव है वो 14,000-15,000 फीट की हाइट पे है। तो ये है सामने। तो ये जो बुद्धा का स्टैचू है, इसकी हाइट जो टोटल है वो है 35 फीट, और आप लोग सोच सकते हो कितना बड़ा होगा ये स्टैचू। और मैंने कहीं पढ़ा था कि ये जो स्टैचू है वो 1000 ईयर्स ओल्ड है। तो यहाँ पे जो है ज़्यादा कुछ है नहीं देखने को, बस ये स्टैचू है, और काफ़ी हाइट पे है तो बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पे, और घर है यहाँ पे काफ़ी कम है पॉपुलेशन। तो आगे जा रहे हैं कॉमिक।
ये हम पहुंच गए हैं कॉमिक विलेज और अभी हम आए हैं कॉमिक मोनेस्ट्री में। तो ये राइट साइड को पूरा जो ये एरिया है ये कॉमिक मोनेस्ट्री का एरिया है। तो ये जो कॉमिक मोनेस्ट्री है ये स्पीति के ओल्डेस्ट मोनेस्ट्रीज में से एक है। मोनेस्ट्री के साथ में यहाँ आपको म्यूज़ियम भी मिलेगा देखने के लिए। तो अंदर जो एंट्री चार्जेस है वो है 50 रुपीज़। तो यहाँ पे एक गाइड भी हैं जो आपको पूरा सब कुछ बताएंगे, अपने जो भी ट्रेडिशनल इन्होंने जो भी सामान रखा है यहाँ पे म्यूज़ियम में तो उसके बारे में। जो पहले भी यूज़ होते थे और अभी भी यही यूज़ होते हैं अभी भी। एक्चुअली हमारे यहाँ पे समर में टू टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं, तो उसमें घोड़ों की रेस लगती है, तो पूरा सजा तजा के तभी लगती है रेस, नहीं तो घोड़ा अनकम्प्लीट है मतलब रेस नहीं होगा। अच्छा। और ये लेदर बैग्स, उस टाइम तो ट्रांसपोर्ट के लिए कुछ और तो होता नहीं था, तो लेदर बैग्स नीचे से फिट करके घोड़े को पूरी तरह से फिर इन्हीं में ही सामान ले जाना होता था। ज़्यादा वेल्थी हो गई इसकी, थोड़ी बड़ी बड़ी लगे, नहीं तो सारा सेम ही है। अब हम नेक्स्ट जाएंगे हिक्किम। हिक्किम वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे, तो हम देखेंगे पोस्ट ऑफिस नेक्स्ट। तो यहाँ पोस्ट ऑफिस के बाहर मिल रहे हैं पोस्ट कार्ड बहुत सारे अलग अलग फोटोग्राफ्स के साथ। तो लोग यहाँ से जो है अपने अपने फ्रेंड्स और फैमिली को पोस्ट कार्ड्स भेज रहे हैं। तो रास्ते में हमें दिखा हिमालयन आईबैक्स, तो ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, मैंने तो फर्स्ट टाइम ही देखा था इन्हें। तो हमने अभी एंटर करा है कि विलेज में, और हमारा यहाँ मेन है कि मोनेस्ट्री जाना है हमने अभी। ये जो ऊपर दिख रहा है यहाँ पे है कि मोनेस्ट्री, तो हमें पहले ऊपर जाना होगा यहाँ से। जैसे अभी पीछे पीछे मैंने सुना बीरबल ने 30,000 ले रहा है आने का गाने का, ना 30,000 बीरबल किन्नौरा वो जो है। अच्छा मुझे बोलो ना क्या गाना गा रहे हो आप, गाओ तो फिर से गाओ। मेरे बाबू ने सामने जो ऊपर दिख रहा है ये है कि मोनेस्ट्री, तो गाड़ी नीचे ही पार्क होती है और थोड़ा सा ऊपर चलने का है कि मोनेस्ट्री जो है काफ़ी बड़ी मोनेस्ट्रीज में से एक है स्पीति में, और काफ़ी पुरानी भी है, और यहाँ काफ़ी पुरानी पुरानी चीज़ें रखी गई है अंदर। पर यहाँ पे जो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी है वो अलाउड नहीं था, तो हम यहाँ कोई शूट नहीं कर पाए हैं। तो हम अभी पहुँचे हैं किबर विलेज, तो यहाँ पे है किबर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो ये एरिया जो है स्नो लेपर्ड के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। तो यहाँ पे हमें दिन में तो उसने लपट दिखने से रहा ऐसे टाइम पे, तो हम यहाँ बस घूम के वापस चले गए। नेक्स्ट हम जा रहे हैं चिचम ब्रिज। ये हम पहुँच गए हैं चिचम ब्रिज, और यहाँ पे जो है बहुत ही ज़्यादा भीड़ है टूरिस्ट की, और हम भी आ गए हैं यहाँ पे भीड़ लगाने। तो ये जो चिचम ब्रिज है इसकी हाइट है 15,500, तो वर्ल्ड हाइएस्ट ब्रिज है ये। और ये जो पहले हम गांव गए थे केबर, और ये यहाँ साइड में है चिचम, ये दोनों गांव को जोड़ता है। दूसरी साइड ना बहुत ज़्यादा भीड़ है, तो हम इधर ही रुक गए, तो यहाँ से बढ़िया है, चक्कर आ सकते हैं आकाश को। तो ये है कितना नीचे है,
तो ये लास्ट ही जगह थी हमारी घूमने वाली, तो हमने ये देख लिया है और अब हम जाएंगे वापस। तो आज का जो हमारा स्टे है वो है चांगो में, वहाँ हम अपने फ्रेंड के पास उसके घर पे रुकेंगे और कल सुबह हम जाएंगे घर। हम फ्रेंड के घर पे पहुंच गए हैं और अब यहाँ पे डिनर करेंगे और आज न्यू ईयर भी है तो हम थोड़ा सेलिब्रेट करेंगे यहाँ पे। और आकाश को देखना, आकाश फुल ऑन मस्ती में है किन्नौरी, तो वो बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, तो अभी हम हैं नाको में। तो सुबह हम चांगो से जल्दी निकल गए थे नाको देखने के लिए, क्योंकि आकाश ने नहीं देखा था तो मैंने सोचा वो साथ के साथ ये भी देख लेंगे। तो नाको जो लेक है पूरा जमा हुआ है यहाँ पे, तो बच्चे आइस स्केटिंग खेल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर टिकट सिस्टम भी है, 30 रुपये पर पर्सन है, पर पर्सन 30 नहीं नहीं 10 रुपीज़ है। अच्छा 10 रुपीज़ पर पर्सन है, ठीक है। तो ये लास्ट ही डे है हमारे ट्रिप का और ओवरऑल हमारा ट्रिप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहा, हम सब ने बहुत ज़्यादा इंजॉय किया और अधीरा ने भी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय। उठो बेटे, घर पहुंच गए हम, बस पहुंच ही गए घर बेटू, बाहर आने वाला। मैं उल्लू नहीं बना रही हूँ, सच्ची बोल रही हूँ। बाहर का मौसम दिखा दो। अच्छा बाहर का मौसम दिखाऊं? आज मौसम बहुत अच्छा है, बोलो। आज मौसम बहुत अच्छा है। फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे। बाय बाय, बोलो। बाय बाय।